हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे वन प्लस फ़ोन में वाईफाई QR कोड वगैरह कैसे शो कर सकते हैं और कैसे वाईफाई QR कोड को आप निकाल सकते हैं वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि वाईफाई QR कोड कैसे निकाल सकते हैं एंड आप कैसे शो कर सकते हैं वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही और आइकन से ओपन हो जाएंगे, इस पर जाकर आप वाईफाई QR कोड वगैरह भी शो कर सकते हैं और कर पाएंगे। सिंपली देखते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, इसमें से सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप इसका यूज़ करके QR कोड भी निकाल सकते हैं एंड आप शो भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग्स पे जाना है, जहाँ से वाईफाई QR कोड को ओपन करने के लिए सिंपली आपको पर्सनल हॉटस्पॉट पे जाना होगा और पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग्स का आप यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे वाईफाई QR कोड को आप निकाल पाएंगे एंड आप शो भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप इसका शो यूज़ भी कर सकते हैं और देखते हैं कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो इस तरीके से वाईफाई QR कोड को ओपन कर देंगे, जहाँ से QR कोड वगैरह आपके फ़ोन पे शो हो जाएगा, जिसको आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से QR कोड आपके वन प्लस फ़ोन में शो करता है, जैसे देख सकते हैं और यहाँ पर एक शो करने लगेगा, इसको आप देख सकते हैं कि शो करता है। तो इस तरीके से वाईफाई QR कोड शो कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।